कहानी है मुंबई में रहने वाली राशि के बारे में, जिसका ट्रांसफ़र नागपुर में हुआ था। राशि अब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। काम करते करते राशि को समय का पता नहीं चलता और काम के दौरान रात के 11 बज जाते हैं। अचानक राशि समय देखती है और वह जल्दी से अपनी स्कूटी निकाल कर घर की ओर निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुहाना था दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राशि बस अपनी धुन में आगे बढ़े जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक राशि को कुछ हलचल लगती है। घर आने से पहले ही राशि रास्ते में चौंक जाती है, जैसे कोई साया राशि के बालों को छूकर गया हो। राशि बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाती है, तभी जोरों से हवाएं चलने लगती है और राशि घबरा जाती है। और अचानक न जाने कैसे राशि स्कूटी से नीचे गिर जाती है। राशि जैसे ही खड़ी होती है और सामने देखती है कि उसकी स्कूटी उसके आसपास अकेले ही घूम रही है। राशि समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी राशि डर के मारे घबरा कर भागने लगती है। आगे आगे राशि, उसके पीछे पीछे एक हवा का साया दौड़ता हुआ। राशि दौड़ते दौड़ते अचानक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। राशि को जब होश आता है तो राशि एक हॉस्पिटल में होती है। आखिर राशि के साथ उस रात कौन था, उस रात कौन उस अस्पताल में लेकर आया, अगली वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।